नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ा स्यारचा 6 जून को ज़मीन के मदार से गुजरेगा। इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है और ये कब और किस टाइम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक किस टाइम ये ज़मीन के पास से गुजर जाएगा और ये कितनी स्पीड के साथ ज़मीन की तरफ आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल न्यू टॉपिक टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो ये मैं खुद नहीं कह रहा, अमरीकी खलाई तहकीक के अदारे नासा ने कहा है कि एक बड़े साइज़ का स्यारचा 6 जून को ज़मीन के मदार से गुजरेगा। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्यारचे की लंबाई 570 मीटर और इसकी चौड़ाई 250 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हुजम न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी कई ज़्यादा है। नासा के माहरीन के मुताबिक निज़ाम शमसी में चट्टान नुमा इस स्यारचे की ज़मीन से टकराने का कोई इम्कान नहीं है। ताहम उनका ये भी कहना है कि इस हरकत पर उन्होंने नज़र रखी हुई है। इस वक्त ये स्यारचा 11,200 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहा है और इतवार को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:20 पर ज़मीन के मदार से ये गुजर जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं जैसे 29 अप्रैल 2020 को हुआ था। आई होप सो गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट रिजवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।